चलिए व्हाट्सएप रिपोर्टर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुख करते हैं अगले वीडियो का। छुट्टियों के दिनों में तो आपने रेलवे स्टेशनों पर भीड़भाड़ की ढेरों खबरें सुनी और देखी भी होंगी, लेकिन इस वक्त ना तो कोई सीजन है और ना ही छुट्टियों का महीना। फिर भी जरा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का हाल इस वीडियो में देख लीजिए। और हमारी गुजारिश रेल मंत्री साहब से भी है कि वो भी अगर इस वीडियो को देखें तो कम से कम यात्रियों का कुछ भला करने की कृपा करें। और ये नजारा किसी एक दिन का नहीं है, ये स्थिति तकरीबन डेली की है। किस तरीके से रेलों के अंदर घुसने के लिए जोर आजमाइश होती है, बाकायदा जंग लड़ी जाती है और उसके बाद जाकर एक अदद सीट मिल पाती है। और ज्यादातर लोगों को तो शायद सीट भी नहीं मिल पाती, पूरा सफर खड़े खड़े ही बिताना पड़ता है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ये रिपोर्ट तैयार की हमारे व्हाट्सएप रिपोर्टर नरेश शर्मा ने, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका टोटल न्यूज में। हाँ जी, नमस्कार जी। नरेश जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि ये जो वीडियो आपने हम तक भेजा है वो किस वक्त का है और कौन सी ये ट्रेन थी जहां पर लोग अंदर जाने के लिए इस तरीके से रस्साकशी करते हुए नजर आए? ये वीडियो जो है कल शाम 4 बजे का है जी। ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का है और ये इंटरसिटी जो है एक्सप्रेस का है। तो और ये वीडियो जी तो ये जो वीडियो आपने देखा, हम वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन जो वहाँ पर आपने सूरत हाल देखा, क्या आप वो बता सकते हैं? जी हाँ, वहाँ पे जो चीजें हमने देखी है उसमें इस वीडियो में वो पूरा कैच नहीं हो पाया, बिकॉज जो जब हमने कैमरा ऑन किया जो मोमेंट हमें दिखाना था वो मोमेंट इसमें नहीं आ पाया, क्योंकि जब तक हमने कैमरा ऑन किया तो मोमेंट निकल चुका था। नहीं तो आप हमें बताएं कि वो मोमेंट ज्यादातर था क्या? हाँ, जो हुआ क्या था कि जैसे ही वो ट्रेन आया प्लेटफॉर्म पे जी, तो ट्रेन जैसे कि रुकने के लिए तैयार थी, तो मैंने देखा कि ना काफी, एक तो प्लेटफॉर्म पे इतना ज्यादा भीड़ था वहाँ पे कि पैर रखने की भी जगह नहीं था, और जब ट्रेन आया तो लोग ट्रेन के पीछे भागने लग गए, कुछ सामान लेके भागने लग गए, कुछ जो है चढ़ने लग गए, और ट्रेन मतलब कई लोग उसमें गिर भी गए, बट लकली कुछ हुआ नहीं किसी को। और उसके बाद जब रुका, वो सीन हम नहीं ले पाए जो लोग कैसे चढ़ते, ट्रेन चलती हुई ट्रेन में लोग चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, और उसके बाद में इसमें इस वीडियो में भी आप देखेंगे तो कई महिलाएं जो है ना एक दूसरे से दब रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि हम बहुत ऊपर से हमें ये वीडियो कैप्चर किए हैं, इस वजह से हो सकता है क्लियर ना आया हो, लेकिन इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो कई महिलाओं एक दूसरे के ऊपर में गिरा हुआ है। आपने एक बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य इस्तेमाल किया कि लकली लोग बच गए, और शायद यही लक डेली हजारों पैसेंजर्स को बचा ले जाता है, क्योंकि स्थिति कमोबेश डेली ऐसी ही होती है। आपने हमें ये तस्वीर भेजी, लेकिन हम रेल मंत्रालय तक इन तस्वीरों को अपने माध्यम से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आपको हम वैसे तमाम लोग इस स्थिति को जानते हैं, समझते हैं, रोज दो चार होते हैं, लेकिन एक बार हम वीडियो जो आपने भेजा है वो वीडियो देख करके दिखा करके कम से कम एक एविडेंशियल चीज हम आपको तमाम अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से एक ट्रेन में चढ़ने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ। जरूर। और एक चीज मैंने देखा है कि जो है आपके थ्रू मैं रेल मंत्रालय को मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। जरूर। कि वहाँ पे एक इंटरसिटी की बात नहीं है, हमने देखा कि कल जब महाबोधि 4 घंटा लेट थी तो लोग, क्योंकि टाइमिंग के हिसाब से दो बजे के ट्रेन के हिसाब से सभी वहाँ पे पहुँच चुके थे, बहुत देर के बाद पता चला कि वहाँ पे 3.5-4 घंटा ट्रेन लेट है। तो हुआ क्या, क्योंकि जो दूसरे जो टाइमिंग वाले जो ट्रेन आना था प्लेटफॉर्म पे 8 और 9 नंबर प्लेटफॉर्म पे, तो हुआ क्या कि जो दूसरे पैसेंजर है वो भी वहाँ पे पहले से आ चुके हैं, और जो महाबोधि वाला पहले से वहाँ पे वो भी वहीं पे था, इसके वजह से इतना ज्यादा क्राउड था कि अगर एक आदमी किसी को हल्का सा भी धक्का दे दे तो सीधे जो ऐसे नीचे मतलब ट्रेन से टकराएगा, ये हालत थी। तो इसके लिए सरकार, मैंने देखा ना तो वहाँ पे सिक्योरिटी थी ना पुलिस था, किसी तरह का कोई सरकारी
कोई सुविधाएं थी नहीं, मतलब लोग बेशक तो कमोबेश रोज का यही हाल है, और सिर्फ एक ट्रेन का नहीं, तकरीबन सभी ट्रेनों में इसी तरीके से जद्दोजहद करनी पड़ती है यात्रियों को। और उम्मीद है कि रेल मंत्रालय को और तमाम अधिकारियों तक हमारी आवाज पहुंच रही होगी, और वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो संज्ञान ले, स्थिति कुछ तो बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप जुड़े। बढ़ते हैं अगली रिपोर्ट की तरफ जो कि मुंबई से है। जी हां, मुंबई से यह खबर है, लेकिन इस तरह का नजारा यकीनन आपने हर कहीं देखा होगा। हमारी भी आपसे यही गुजारिश है कि अगर आप भी भ्रष्टाचार की कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखें तो उसे अपने मोबाइल फोन में फौरन कैद कर लें, ताकि रिश्वत की काली कमाई करने वालों के चेहरे जग जाहिर हो सके। वीडियो देखिए। तो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो को हम जरा आपको क्लियर कर दें कि यहां पर कुछ पुलिस वाले हैं, वो बाकायदा अपनी गाड़ी पर आगे बैठे हुए हैं और पीछे से एक शख्स से रिश्वत की उम्मीद कर रहे हैं, और वहां पर इसीलिए ठहरे हुए हैं कि वो शख्स आए और उन्हें जो डेली रिश्वत यानी कि जो बंधा हुआ पैसा होता है, जो तकरीबन डेली वसूला जाता है इन पुलिस वालों के जरिए, वो उन्हें पहुंचाए। ये वीडियो तो दरअसल मुंबई का है, लेकिन शायद देश के हर कोने का यही हाल है, और यकीनन राजधानी दिल्ली में भी ऐसी ही तस्वीरें आपने अपनी आंखों से देखी जरूर होगी। लेकिन हम आपसे अपने इस कार्यक्रम के जरिए गुजारिश कर रहे हैं कि जब भी अगली बार आप कुछ इस तरह की तस्वीर देखिए तो खामोश मत रहिए, अपनी आंखों से देखने के साथ साथ इसे कैमरे की आंखों में भी कैद कर लीजिए और हमें भेजिए, हम इस तरह की तस्वीरें दिखाएंगे, बताएंगे, प्रशासन और अधिकारियों तक पहुंचाएंगे और रिश्वतखोरों का चेहरा बेनकाब करेंगे। चलिए, ये वीडियो जो हम तक भेजा है हमारे व्हाट्सएप रिपोर्टर संदीप ने, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, क्या कुछ देखा, आंखों हाल आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जी जी, शुक्रिया। मेरा एक फ्रेंड है मुंबई में, जी उसने एक वीडियो अपलोड किया था, अपने छत से नीचे जो पुलिस वाले थे वो फेरी वाले से पैसे ले रहे थे, पहले उसको दूर से इशारा किया था, वो समझ गया था कि उससे लेते होंगे हफ्ते में या महीने में, तो चुपचाप वो फेरी वाला आया, उसके जेब में डाल के चला गया। अच्छा संदीप, आपके नंबर नहीं नोट कर पाता, सॉरी। अच्छा चलिए, लेकिन संदीप इतना जो आपने वीडियो भेजा है वो भी बहुत काफी है, लेकिन आपके एक फ्रेंड ने ये वीडियो बनाया था, यकीनन आपने भी कभी ना कभी ऐसी तस्वीर देखी होंगी। सर मैंने तस्वीर क्या, मैं तो लाइव देख रहा था, इधर मैं हरियाणा में जहाँ पे रहता हूँ बहादुरगढ़ में, जी इधर यहाँ पे एक पुलिस नाका है, क्रॉसिंग मोड़ बोलते हैं वहाँ पे, जी एक टेम्पो वाला जो बहुत ही गरीब था उसी टेम्पो में मैं बैठा था, जी पुलिस वाला उसके पास में आया, कह रहा पेपर निकाल के साइड में आ गया, जी वो पेपर तो निकाल के लेके गया नहीं था, वो किसी उसके मालिक की गाड़ी थी, चुपचाप पुलिस वाला उसकी तरफ कमर फेर के खड़ा होकर कह रही चुपचाप जो पैसे है मेरी जेब में डाल दो। जी हाँ, मैं पुलिस वाले बहुत सारे थे तो कैमरा निकाल नहीं पाया अपना फोन का। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन आपसे ये जरूर गुजारिश करेंगे संदीप कि अगली बार जब भी किसी भी तरह की ऐसी तस्वीर आप देखें तो अपने कैमरे में कैद करें, लेकिन हाँ उस वक्त सावधानी जरूर बरतें। तो वर्दी वाले गुंडे किस तरीके से डेली गरीबों से पैसे वसूल करते हैं ये वीडियो हमने दिखाया, तमाम अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन आपसे यही गुजारिश कि जब भी आप इस तरह की कोई भी तस्वीर देखें तो अपने कैमरे में कैद कीजिए, व्हाट्सएप रिपोर्टर के जरिए हम तक पहुंचाइए, हम आपकी आवाज बनकर तमाम तस्वीरों को प्रशासन और अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। और आपसे खास गुजारिश यह भी आखिर में कि आपकी अगर समस्या का निदान होता है तो आप उसका भी वीडियो बनाएं और हम तक पहुंचाएं, हम उसे भी दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के व्हाट्सएप रिपोर्टर में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला टोटल न्यूज पर लगातार जारी है, बने रहिए टोटल न्यूज के साथ। ना कोई कैमरा ना कोई रिपोर्टर, फिर भी हर रिपोर्ट धड़ाधड़। कोई भी रिपोर्टिंग कर सकता है।
बस नंबर याद रखिए 9582230562। बहुत दिनों से चक्कर लगा रहा हूँ लेकिन कोई सुनता ही नहीं। अब लेता हूँ खबर।